सेल्फी जावेद ने अपने ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ा, वो भी तमाम प्रूफ्स के साथ। तो आइए आपको मैं दिखाऊंगी कि आखिरकार उर्फी जावेद का ब्लैकमेलर कौन है और आखिरकार किस हद तक इस ब्लैकमेलर ने उर्फी को किया है ब्लैकमेल, वो भी लगातार 2 सालों से। तो 2 सालों से परेशान होकर उर्फी जावेद ने फाइनली अब रंगे हाथों पकड़ लिया है और उर्फी जावेद के ब्लैकमेलर का हो चुका है खुलासा। आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट में, जिसे उर्फी जावेद ने पोस्ट के जरिए सभी को अवेयर किया है और सभी को शेयर भी किया है। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। उर्फी जावेद, लगातार आप सभी को बता दूं कि जानकर हैरानी होगी कि 2 सालों से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लगातार उन्हें धमकी भरे मैसेजेस, कॉल्स और ब्लैकमेलिंग्स आ रहे थे, जिसके बाद उर्फी जावेद ने FIR भी दर्ज करवाई थी। लेकिन इसके बावजूद, फिलहाल FIR दर्ज कराने के बावजूद उस इंसान को या उस शख्स को पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन ऐसे में साइबर क्राइम में इन्फॉर्म करने के बाद उर्फी जावेद ने काफी परेशान होकर जब ऐसा रिपोर्ट करवाया, तब जाकर हुआ है खुलासा कि आखिरकार वो शख्स कौन है। उर्फी जावेद ने उसके पिक्चर्स और उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स को फाइनली अब सभी के सामने वायरल कर दिया है। उर्फी जावेद ने इस मैसेजेस को वायरल करते हुए विद प्रूफ ये बताया है कि इस शख्स ने उन्हें 2 सालों से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ब्लैकमेलिंग करने के जरिए उर्फी जावेद हालांकि कई बार काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उर्फी जावेद को कभी जान से मारने की धमकियां, तो कभी काफी कुछ उनके पिक्चर्स को वायरल करने की धमकियां दी जाती थी। तो वैसे मैं अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहां पर आप इस पोस्ट पर देख सकते हैं कि उस शख्स को के पिक्चर को उर्फी ने खुद शेयर किया है, यहां तक कि उनके व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी उर्फी जावेद ने विद फुल प्रूफ शेयर किए हैं। इसके बाद उर्फी जावेद ने कैप्शन में अपने पूरे मामले को बताया है कि लगातार 2 सालों से उर्फी काफी परेशान थी, उन्हें काफी हैरेस किया जा रहा था, उर्फी काफी बार रिपोर्ट करा चुकी थी, लेकिन स्टिल कोई भी अब तक इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा था। हालांकि इस शख्स के खिलाफ ऑलरेडी मुंबई से लेकर दिल्ली तक 40 से भी ज्यादा केसेस दर्ज है। देखा जाए तो इसने सिर्फ उर्फी को ही नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ काफी दुर्व्यवहार और उन्हें ब्लैकमेल किया है। ऐसे में उर्फी जावेद लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि इस अननोन शख्स की पहचान उर्फी जावेद ने बताया कि ये पंजाबी इंडस्ट्री का कोई शख्स है, जिसके नाम का खुलासा नहीं किया उर्फी ने, लेकिन साफ तौर पर उर्फी ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसने कई सारी महिलाओं के साथ इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की है। तो लगातार उर्फी जावेद ने विल फुल प्रूफ ये तमाम पोस्ट को शेयर करते हुए अब फाइनली इस शैतान के पीछे का जो चेहरा है वो खुलासा कर दिया है। तो ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगे उर्फी जावेद के इस पोस्ट को देखकर, उनके इस कैप्शन के बारे में जानकर, यानी कि उनकी पूरी कहानी के बारे में जानकर, इस ब्लैकमेलिंग वाली कहीं ना कहीं इस उनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानकर आप अपने रिएक्शंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के।